मैं रांची राजधानी के वार्ड नंबर 28 के कडरू सरना टोली में स्थित हूँ। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण इस आशा लकड़ा को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हम आंगनबाड़ी सेविका के रूप में मेरा चयन आम सभा के रूप में हुआ था। 2009 में मेरा चयन हुआ था, लेकिन आज तक मेरा कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला। यहाँ का केंद्र दूसरे जगह चल रहा है और दूसरे लोग चला रहे हैं यहाँ का। देखिए, इसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि एक ही सेंटर में दो आंगनबाड़ी चल रही है, लेकिन अगर ये सही है, हम जांच कराते हैं इसको। अगर ये सही पाया गया तो ये निहायत गलत है, गैर कानूनी है और इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबू, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाता है? आंगनबाड़ी स्कूल दूर है, इसलिए नहीं जाते। हम चाहते हैं कि यहाँ का जितना छोटा छोटा बच्चा लोग है, जो जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, खाने पीने की भी आवश्यकता है, उन लोग को यहाँ पर ऐसा सुविधा दे। अब बच्चा लोगों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? दूर होता है, इसीलिए नहीं भेजते हैं। आज लेके 2 साल से ज़्यादा हो जा रहा है। हम DC के पास भी एप्लीकेशन दिए, सूचना अधिकार में भी एप्लीकेशन दिए, लेकिन वहाँ से भी हमको निराशाजनक ही प्राप्त हुआ। हम इसके लिए DC को भी लिखेंगे, CDPO से भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं भी ये नहीं है कि एक सेंटर पर दो आंगनबाड़ी चले। इसके पीछे जो भी दोषी हैं, जो भी इसके पीछे जिम्मेवार हैं, सब लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक ओर बेरोजगारी की समस्या है और दूसरी ओर एक ही आंगनबाड़ी सेविका दो केंद्र एक साथ चला रही है, जो गैर कानूनी है, और यहाँ के 40-45 बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि CDPO पर दबाव बनाने के लिए निम्नलिखित नंबर पर कॉल करें। मैं हूँ निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।